क्वेश्चन नंबर 19 एससी वर्मा का लास्ट क्वेश्चन है। आमतौर पे लास्ट क्वेश्चन कठिन होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब टाइप का प्रॉब्लम है, इस तरीके का आमतौर पे अंडर क्वेश्चन, फिर भी इसको करते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर है, इसका 50 टन प्राइमरी है और 100 टन इन द सेकेंडरी है। प्राइमरी को 220 वोल्ट डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। अगर आप केयरफुल नहीं है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, आप सिंपल ट्रांसफॉर्मर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, N2 by N1 equal to V2 by V1। N2 100 है और N1 आपका 50 है, तो ये जो है डबल नंबर ऑफ वाइंडिंग है, तो वोल्टेज V2 जो होगा बाई 50 से 2 से मल्टीप्लाई करके 100 वोल्ट आंसर आप लिख दे आ जाएंगे और वो हो जाएगा गलत। यहां पर ये लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट डीसी सप्लाई है। जब आप इस प्राइमरी वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देते हैं तो करंट तो फ्लो होगी, लेकिन वो करंट कांस्टेंट होगी, वो करंट बदलेगी नहीं। जब करंट बदलेगी नहीं तो इस वाइंडिंग के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड जो नहीं बनेगी तो वो फिर इसके मैग्नेटिक फील्ड इस प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, यानी कि इसके सेकेंडरी पर कोई वोल्टेज नहीं होगा। ये ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ट्रांसफर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, वही मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफर होता है, वही ट्रांसफर होता है। आंसर इसका आएगा वी आउट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोई करंट चेंज नहीं कर रही है और चेंजिंग करंट से ही वोल्टेज इंड्यूस होता है, वही ट्रांसफर होता है, वो सब कुछ नहीं हो पाएगा।